प्रियंका चोपड़ा, जिनकी किताब अनफिनिश्ड हुई है लॉन्च कुछ दिन पहले ही, अब अपनी किताब को प्रमोट करते हुए उन्होंने दिया है एक इंटरव्यू। क्या कहा है उन्होंने एक इंटरव्यू में, आइए करते हैं बात। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो उनका सफ़र काफ़ी लंबा था और अब तक वो हॉलीवुड में टिकी हुई हैं। उनकी बात करें तो मिस वर्ल्ड से लेके बॉलीवुड तक और बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक उन्होंने एक सफ़र को कंप्लीट किया है और उन्होंने इस सफ़र को एक किताब में लिखा है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। और अगर हम बात करें अनफिनिश्ड की, तो प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसे किस्से भी लिखे हैं उसमें जो किसी को भी नहीं पता था। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इन सब के बारे में तब इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करती थी और वो चाहती थी कि वो अपने करियर में काफ़ी आगे जाए। जैसे उन्होंने लिखा कि एक डायरेक्टर के साथ उसकी कैसे नोकझोंक हुई और किस वजह से उनको वो फिल्म छोड़नी पड़ी और कैसे डायरेक्टर्स उनके साथ सेट पे ट्रीट करते थे। अब उस वक्त प्रियंका चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन प्रियंका ने ये सब नहीं बोला क्योंकि वो काम करना चाहती थी। लड़कियों को ऐसे ही समझाया जाता है बॉलीवुड में कि आप चुपचाप सिर्फ सिस्टम को देखो और जो हो रहा है उसको सहते रहो, आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कह के प्रियंका ने अपनी बात खत्म कर दी और साफ साफ कह दिया कि अगर मैं उस वक्त बात उठाती तो शायद आज मैं इतना लंबा सफ़र तय ना कर पाती। लेकिन अब मुझ में एक राइटर भी जाग गया है और लॉकडाउन में मैंने ये किताब लिखी है और मुझे लगा मुझे ये सब किस्से कर देने चाहिए हैं शेयर, इसलिए प्रियंका ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में ये सब कुछ लिख दिया है और कह दिया है साफ साफ कि अगर मैं उस वक्त ये बात उठाती तो शायद आज मैं प्रियंका चोपड़ा ना बन पाती। अगर बॉलीवुड की बात करें तो जो प्रियंका चोपड़ा के साथ हुआ है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा हीरोइंस के साथ होता है और उन लड़कियों के साथ होता है जो अभी तक फ्रंट लाइन में नहीं आ पाई। हम उम्मीद करते हैं प्रियंका की इस किताब से काफ़ी डायरेक्टर्स को समझ आए और काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती हैं उनको मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है प्रियंका की इस किताब पे, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।